बाहर एचआर हेड के घर पर 5 राउंड फायरिंग, 1 जिंदा कारतूस बरामद, क्षेत्र में फैली सनसनी। सिंदरी स्थित हर्ल के एचआर हेड विक्रांत कुमार के क्वार्टर पर फायरिंग हुई है। मानव संसाधन विभाग के हेड विक्रांत कुमार के आवास संख्या D21 पर 9 जनवरी करीब 6:30 बजे शरारती तत्वों ने 3 राउंड गोली चलाकर दहशत फैला दी। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। घटना के संबंध में एचआर हेड ने बताया कि घटना के समय वह ऑफिस में थे। एक बाइक पर सवार 2 युवक आए और नाम लेकर गाली गलौज करने लगे। वे तेज आवाज में कह रहे थे कि बाहर निकलो नहीं तो जान से मार देंगे। सिंदरी थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। आवास के पास से पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया। थाना प्रभारी ने कहा कि 7.1 mm का 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अच्छा, तो क्या देखे वही क्या मतलब कर रहा है? क्या कर रहा है साहब? को गाली दे, विक्रांत सर बोल रहा है। अच्छा, गेट को बजड़ा रहा था। अच्छा, क्या लोग थे? 2 आदमी था। अच्छा। क्या लेके थे 2 आदमी? गोली चलाया तो कहाँ पे गोली चलाया? वो गेट में जाके, उनका गेट पे। हाँ, कितना क्वार्टर नंबर है? क्वार्टर 21 नंबर है। और क्या कुछ बोल रहा था? और कुछ नहीं बोला, उतना करके गोली चलाने लगा, गोली चला के भाग गया दोनों। आपके हाथ में चोट कैसा है? हाथ में चोट हमारा आते हुए लगा है। उन लोग क्या जब गोली चला तो तड़ाके से आवाज आया क्या आपको? आवाज हुआ था क्या? आवाज तो नहीं हुआ, मतलब गोली का आवाज हुआ। गोली का आवाज हुआ। हाँ। जान से मारने की धमकी भी दे रहा था क्या वो लोग? हाँ। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? बोल रहा था निकलो, किसको निकलो बोल रहा? साहब को नाम दे के बोल रहा था क्या? क्या नाम है साहब का? साहब का तो विक्रांत सर है। विक्रांत सर है। कितना बजे की घटना है मोटा मोटी? मोटा मोटी हम तो घड़ी उड़ी रखे नहीं यार, जानते नहीं टाइम कितना हुआ था, लेकिन वही 6 बजे रखी, शाम का 6 बजे। हाँ। अच्छा, वहाँ पे सूचना मिला था, पुलिस पहुँची थी? पुलिस तो नहीं, हो गार्ड बाद में पहुँचा हमको, मैडम बोला। कहाँ का गार्ड था वो? गार्ड तो यही लोग को था। क्या नाम आपका? हम तो नाम बता दिए। क्या नाम है आपका? रोहिणी मातो। रोहिणी मातो। तो मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि कुछ लोग, 2 लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे इधर से उधर जा रहे हैं और आप मेरा नाम लेकर के गाली गलौज करते हुए, गाली बकते हुए उन्होंने फायरिंग किया और उन्होंने बताया कि घर से निकलो, हम आज जान मार देंगे। ये घटना हुई तब तक बहुत सारे अधिकारी, लेकिन आप ही के ऊपर घर पे गोलीबारी क्यों? ये तो ये समझ से परे है, ये तो मैं नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों हुआ है। अब मुझे जहाँ तक पता है कि ये पूरा इससे पहले भी FCL कंपनी थी, तो उस ये घटना तो नहीं हुई थी कि किसी के घर पे जाकर के गोलीबारी हो। कौन सा सर गैंग का हाथ लग रहा है? ये नहीं है कह सकता मैं, क्योंकि मेरे किसी से कुछ ऐसा बिगाड़ नहीं है किसी के साथ में मेरा, कोई जॉब लेके लगाने के लेके पैरवीर भी। देखिए, कॉल तो हमारे पास से बहुत सैकड़ों कॉल आते हैं, लेकिन अब सब में ऐसा तो कोई नहीं कहता कि हम नौकरी दे दो, नहीं दोगे तो तुमको तुम्हारे साथ ये करूँगा, ऐसा किसी ने नहीं बोला है, तो हम नहीं कह सकते कि कौन है लोग क्या है। क्या मंशा लेके गोली चली सर आप? ये नहीं पता, ये तो छानबीन हमने अभी FIR करा है और छानबीन के बाद ही जब उस पत्र के दिए सर आवेदन क्या दिए हैं? आवेदन यही कि हमारे यहाँ कुछ अज्ञात लोग ने गोलीबारी किया है। घर के बाहर से CCTV कैमरा वगैरह नहीं है सर आपके? CCTV है लग, बट संजोग से वो कुछ पेड़ और पौधे के कारण से वो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया है। प्रशासन की ओर से आपके अभी क्या कुछ आश्वासन मिला सर? छानबीन करेंगे, उसके बाद जो भी अपराधी हैं उनको पकड़े जाएंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे। तैनात गार्डों ने कुछ बताया सर? हैं, तैनात गार्ड? गार्ड भी तैनात रहते हैं। हाँ, हमारे गार्ड थे, प्राइवेट गार्ड थे, वो D18 के पास में थे, वो जब उन्होंने गाली गलौज सुना, आवाज़ सुना, मतलब मेरा नाम लेते, तो वो उसके तरफ आए, तब तक में वो वापस घुमा कर। जिला प्रशासन से सिंधी थाना से क्या था सुरक्षा वगैरह की मांग की है क्या? गार्ड वगैरह की तैनाती एक्स्ट्रा? नहीं, हमने अभी ऐसा नहीं करा, हमने अपना गार्ड, अपनी कंपनी का गार्ड को लगाया है, और जरूरत पड़ेगा भविष्य में तो हम रिक्वेस्ट करेंगे।